दोस्तों देख सकते हैं हमने डोमाल के पल्ले में किस तरीके से लॉक को लगाया जाता है, वो हम आप पूरे तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर हमने साइज को यहाँ से नाप लिया है, 34.5 इंच का ये पल्ला है, और हमने इस पे साइज में जो है 17 इंच दो सूत पर निशान लगा लिया है। तो उसमें क्या करेंगे, ये बीचों बीच आ जाएगा, तो इसी को हम दिखा देते हैं आपको किस तरीके से निशान लगाया जाता है लॉक का। ये देख सकते हैं, ये क्या होता है कि ये हमने पहले से ही एक सिस्टम बनाया हुआ है ताकि हमें जब हम लॉक लगाएं तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो हमने इसके जो अंदर अंदर से ही 6 इंच का खांचा काट लिया है और उसी को हम लगाकर लॉक का निशान लगा लेते हैं और उसी से कटिंग कर देते हैं। ये हमने दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये हमने क्या है कि पौने दो का सेक्शन जो होता है उसे काट कर बनाया है। वो भी मैं दिखा देता हूं हमने किस सेक्शन में से काटा है। तो अभी दिखा देते हैं हम लॉक का निशान किस तरीके से लगा देते हैं। ये देख सकते हैं आप, तो दोस्तों देख सकते हैं आप हमने लॉक का निशान यहां पर लगा दिया है। अब इसके क्या होगा कि हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देख सकते हैं, तो अब दिखाएंगे हम आपको किस तरीके से इसकी कटिंग की जाती है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हमने इसको दोनों तरफ से काट लिया है। तो इसको क्या करेंगे, अब इसको जो है ये डेड का बिट हमने पहले से ही ड्रिल मशीन में लगाया हुआ है, तो उसी से इसके जो इधर से हम होल करके काट देंगे, क्योंकि इधर की तरफ से अगर हम काटेंगे व्हील कटिंग व्हील से काटेंगे तो निशान आ जाएंगे और बड़ा होल हो जाएगा, तो इसीलिए इसको हम ड्रिल मशीन से काटते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो लॉक का खांचा बिल्कुल कट गया है, बिल्कुल कंप्लीट है। अब इस पर हम क्या करेंगे, इस पर हम फाइल मार देंगे ताकि फिनिशिंग काफी अच्छी आए और लॉक आसानी से बैठ जाए। तो ये लॉक देख सकते हैं 7 इंची 6 सूत का ये लॉक होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो हमने पहले आपको दिखाया था, पहले बताया था, इसका जो खांचा हमने काटा है वो 6 इंच का खांचा काटा है। तो ये लॉक देख सकते हैं आप, ये लॉक एक्चुअली छोटा लॉक है, इससे भी बड़े बड़े लॉक आते हैं, 8 इंची 8.5 इंची के लॉक भी आते हैं। तो अभी हम आपको छोटे लॉक के दिखा रहे हैं, तो देख सकते हैं आप किस तरीके से इसको डाला जाता है खांचा काटने के बाद। आप देख सकते हैं कि लॉक को किस तरीके से डाला जाता है, ये भी देख सकते हैं आप। ये देखिए, पहले हम क्या करेंगे, इधर की तरफ से डालने के बाद इस तरह से थोड़ा सा पुश कर देंगे, अंदर की तरफ दबा देंगे, तो क्या होता है कि इसके अंदर जो प्लास्टिक की पत्ती होती है वो जो अंदर हो जाती है और अंदर जाने के बाद इधर की तरफ आ जाती है, तो वो लॉक अटक जाता है। तो इस तरीके से ही डोमाल लॉक को लगाया जाता है। देखिए, जो मैं जिस फर्मे के मैं आपको बता रहा था उस फर्मे में किस तरीके से लॉक को लगाया जाता है, ये भी दिखा देते हैं। फर्मा किस तरीके से काटा हुआ है ये देख सकते हैं। देखिए, हमने फर्मे में जो लॉक को लगा दिया है, तो आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा लग रहा है और लॉक का जो खांचा है काफ़ी अच्छे तरीके से कटा हुआ है। तो इस तरीके से हमने इसका फर्मा बनाया, काम को बहुत ही इजीली करने के लिए, बहुत समय बचाने के लिए इस तरीके से हमने इसका खांचा बनाया, यानी कि इसका फर्मा हमने इसका बना दिया। ये देख सकते हैं आप, ये इधर लॉक लगा हुआ है, इधर देख सकते हैं आप। तो हमने इस तरीके से इसका फर्मा बनाया था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ हमने किस सेक्शन में इसका फर्मा बनाया था। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये हमने पौने दो का जो फर्मा था इसी को काट कर, ये देख सकते हैं, हम इसको लगाकर भी दिखा देते हैं आपको। ये देख सकते हैं, हमने इसी में से काट कर बनाया था ये फर्मा, तो देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से ही अगर आप काम को आसान बनाना चाहते हैं और समय बचाना चाहते हैं अपना, तो इस तरीके से ही आप पहले का, अगर ज़्यादा लॉक हैं आपके पास, ज़्यादा लॉक लगा रहे हैं, तो इस तरीके से ही फर्मा आप बना लें, तो आपके काम का समय बचेगा और आप काम को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। देख सकते हैं कि जो डोमाल का पल्ला होता है उसमें किस तरीके से लॉक को, सॉरी व्हील को डाला जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, हमने क्या किया है, एक डंडे को पहले खोल लिया है, फिर उसके बाद हमने इसमें व्हील डाल लिए हैं। ये देख सकते हैं आप, व्हील आ चुके हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे,
एक स्क्रू लगा देंगे या दो भी स्क्रू भी लगा सकते हैं।